अब दोस्तों, जब भी आप सोया चाप बनाते हो तो बात ये होती है कि सोया चाप का अपना कोई इतना टेस्ट फ्लेवर नहीं होता, तो कैसे उसके अंदर तक फ्लेवर भी आए, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आए चाप में, कैसे हम चाप की लेयर्स को खोले, आप ये दोस्तों ये रेसिपी देखना और ऐसे सोया चाप बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये सोया चाप मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो सोया चाप का इस्तेमाल किया है। मैंने कोशिश करी है दोस्तों कि ये चाप की रेसिपी आप बहुत आराम से घर पर बना लो, शॉर्टकट्स बहुत है। और रही बात चाप की, आपकी सिटी में अगर चाप नहीं मिलती तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दिया है, आप वहां से आराम से खरीद सकते हो। सबसे पहला काम आप ये करना कि जो चाप है उसकी वुडन स्टिक्स निकाल लेना और उसको कट कर लेना। मैं चाहता हूँ कि ग्रेवी के अंदर तक फ्लेवर आए, तो ये जो चाप की जो टेक्सचर्स है ना, इनको खोलना बहुत जरूरी है। इनकी परत अगर खुले तो तभी इसके अंदर तक फ्लेवर आएगा, सही बात है ना। अब यहाँ पर हम कटिंग चॉपिंग कर ही रहे हैं, तो इस रेसिपी में मैंने यहाँ पर 3 प्याज का इस्तेमाल किया है, मीडियम साइज के प्याज है, और उनको ऐसे स्लाइसेस में कर दिया। और ध्यान रहे, इनको भी खोलना बहुत जरूरी है इनको, क्योंकि हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बिरिस्ता बनाएंगे, तो आप इनको ऐसे निचोड़ देना, यानी कि ऐसे खोल देना, ताकि इनको फ्राई करने में आसानी हो। अब मैंने क्या किया है कि कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और सबसे पहले यहाँ पर चाप को फ्राई कर लिया है। फ्राई करने से होता क्या है कि इतनी हीट होती है और इस हीट से चाप की लेयर अपने आप ही खुलने लग जाती है। आप चाहो तो आप चाप को बॉयल भी कर सकते हो, लेकिन बॉयलिंग में क्या होता है कि वो 100 डिग्री से ऊपर तो जाएगा नहीं, फ्राई करने में 100 डिग्री से ऊपर जाता है, जिससे सारी लेयर्स खुल जाती है। ये बहुत बड़ा फर्क है। आप यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही चाप को फ्राई करना, हाई फ्लेम पर मत करना। ऐसा नहीं कि हमें बाहर से ही पकाना है, हमें अंदर तक चाप को पकाना है। अंदर तक हीट देने के लिए मीडियम फ्लेम पर आप आराम से करना और सारी चाप को आप एक साथ डाल देना। आप ये देखो, चाप फूल गई है, पहले फ्लैट थी और अब देखो, क्योंकि वो स्टीम निकल रही है ना उसके अंदर से, चाप फूल रही है। दोस्तों, मैंने फ्राई किया है चाप को गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लगता। और चाप अंदर से सॉफ्ट है, ये देखो मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, सॉफ्ट है और इसकी सारी परतें खुल चुकी हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ देता हूँ, मैं आपको एक काट के भी दिखाता हूँ चाप। ये देखो पहले का टेक्सचर कैसा था चाप का, और अब देखो फ्राई करके टेक्सचर कैसा आ रहा है चाप का। दोस्तों, हमने पहला इम्पोर्टेंट काम तो कर लिया है, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि चाप के अंदर तक फ्लेवर लाना है ना। लेकिन उससे पहले हमारा तेल एकदम गरम गरम है, तो गरम गरम तेल में फटाफट से प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं। हमें बिरिस्ता बनाना है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर प्याज को भी मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है, ताकि वो अच्छे से पक पाए। और ध्यान रहे, प्याज को आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जब ऐसे फ्राई करते हैं ना, तो उसमें कैरी ओवर कुकिंग बहुत होती है, तो आपको प्याज को बेसिकली तब तक पकाना है जब तक इसमें एक बढ़िया सा कलर नहीं आने लग जाता। एक बात का आप ध्यान जरूर देना कि बीच बीच में प्याज को स्टर जरूर करना, क्योंकि कढ़ाई में जब आप ऐसे फ्राई करते हो ना, तो साइड्स में हीट ज्यादा होती है, सेंटर में थोड़ी कम होती है, जो साइड वाले प्याज होते हैं वो ज्यादा पक जाते हैं। और बस बिल्कुल जैसे इस स्टेज पर आ जाए ना आपके प्याज, फटाफट से आप सारे निकाल देना, क्योंकि प्याज में एक बार ही अगर रंग चढ़ता है ना, तो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। फटाफट से आप इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेना। अब प्याज को पीसने से पहले हमें वेट करना है कि ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाए, तो जब तक वापस मैं चाप पर आ जाता हूँ। चाप भी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो चाप के अब अंदर तक फ्लेवर डालते हैं। तो इस रेसिपी में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना अंदर फ्लेवर डालने के लिए, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है डाबर होममेड का अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बिल्कुल फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसकी कंसिस्टेंसी टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बिल्कुल सिलबट्टे पे पिसा हो, एकदम नेचुरल। और अगर बढ़िया अदरक लहसुन का पेस्ट होगा, तभी वो फ्लेवर्स निकाल पाएगा हमारी चाप के अंदर तक। इसके साथ साथ आप यहाँ पर 1 चम्मच तक चाट मसाला डालना, ताकि वो चटपटा सा टेस्ट आए चाप के अंदर। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है, बिल्कुल टच किया है, ज़्यादा नहीं डाला, कच्चा सरसों का तेल है, अगर ज़्यादा डाल दूंगा तो बहुत ओवर पावर करेगा। नमक नहीं डाला मैंने दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि चाट मसाला में ऑलरेडी नमक होता ही है। अब मिनिमम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना, ताकि सारे फ्लेवर्स अंदर तक चले जाएं। इतनी देर में प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं, प्याज भी ठंडे हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालकर प्याज का एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेना, और आपका ब्राउन अनियन पेस्ट बनके पूरा तैयार है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर चाप के लिए एक स्पेशल मसाला बनाया है, जो मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट जो चाप बनाते हैं वो यूज करते हैं।
इस मसाले को आप पनीर के साथ यूज कर सकते हो, मशरूम के साथ कर सकते हो, बहुत बढ़िया जाएगा, और आलू के साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे मसाले की कॉम्बिनेशन में है 2 चम्मच जीरा, साथ साथ 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, 4 सूखी लाल मिर्चें हैं, उसके साथ साथ धनिया भी है, 1 दालचीनी भी मैंने यहाँ पर डाली है, 2 छोटी इलायची, साथ साथ लौंग है, तेज पत्ता है, मैंने यहाँ पर सौंफ भी डाली है थोड़ी सी, और ये भी डाले हैं दोस्तों यहाँ पर सरसों के बीज। अब यहाँ पर इनको थोड़ा सा रोस्ट करना जब तक इनसे बढ़िया सी खुशबू नहीं आ जाती। फिर जैसे ही खुशबू आने लग जाए आप गैस को बंद कर देना, और हीट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा नमक डाल दिया है, लगभग 1/2 चम्मच, और एंड में मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच डाला है कसूरी मेथी का, ये है थोड़ा सा सूखा पुदीना, और ये है सौंठ का पाउडर यानी कि सूखी अदरक का पाउडर, बहुत थोड़ा सा 1/4 टीस्पून। ये है दोस्तों एक स्पेशल मसाला जो कि चाप के साथ बहुत बढ़िया जाता है। आप इसको हल्का सा और रोस्ट कर लेना बस, ताकि कसूरी मेथी जले ना और बाकी एंड की चीजें जले ना। तो फटाफट से मैंने इसको निकाल कर पीस लिया है। इस मसाले को आप मशरूम में डाल सकते हो, चाप में तो बढ़िया जाएगा ही जाएगा, साथ साथ अगर आप बिरयानी बना रहे हो तो उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, लगभग 2 चम्मच। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, गर्म गर्म तेल में आपने यहाँ पर जीरा डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और ध्यान रहे थोड़ा सा तड़केगा तो फटाफट से आप यहाँ पर टमाटो प्यूरी डाल देना। दोस्तों मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करी है डाबर होममेड की टमाटो प्यूरी का, और डाबर होममेड की टमाटो प्यूरी बनी है 100% पके हुए टमाटरों से। और अब आपने यहाँ पर इस बेस को बहुत अच्छे से पकाना है, जितना मॉइस्चर है ना वो सारा मॉइस्चर आपने निकालना है। तो वो हेल्प करने के लिए यहाँ पर नमक बहुत काम आएगा दोस्तों, तो नमक के साथ साथ मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर भी डाला है, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और धनिया पाउडर, और अपना स्पेशल मसाला डालना मत भूलना। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने शुरुआत में ही डाल दी है, और इसको अच्छे से भुना है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल पानी गायब हो जाना चाहिए उस लेवल तक आपने यहाँ पर भुनाई करनी है। ये देखो तेल ऊपर आएगा और सारा पानी गायब हो जाएगा। इस स्टेज तक आपने दोस्तों भुनना है, तभी सही फ्लेवर निकल कर आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। बस इस स्टेज के बाद आप यहाँ पर चाप डाल देना, और चाप को मसाले के साथ अच्छे से भुनना, अच्छे से मिलाना, ताकि सारा मसाला अंदर तक जाए, अदरक लहसुन का पेस्ट जो चाप पर लगा है वो भी थोड़ा सा पक जाए, और चाट मसाला जो है वो हमारे जो बेस है उसके साथ अच्छे से मिल जाए। फिर क्या, आपने यहाँ पर ब्राउन अनियन का पेस्ट डालना है, थोड़ा सा मैंने पानी डालकर सारा मिक्सी से निकाल दिया है, और लगभग इस स्टेज पर आते आते आपकी ग्रेवी बनने ही वाली, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन ही इतनी अच्छी है इसलिए काम काफी स्पीड से हो गया है ना दोस्तों। थोड़ी देर चाप को पकने देना, लगभग 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब मैंने यहाँ पर पानी डाला है, और पानी अभी थोड़ा ज्यादा ही डालना, क्योंकि अब हम यहाँ पर चाप को थोड़ा बॉईल करेंगे, थोड़ा बॉईल करने से चाप और खुलेगी, जिसकी वजह से अंदर और फ्लेवर जाएगा। और आप यहाँ पर एंड की चीजें भी डाल देना इस टाइम पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर अदरक के लच्छे डाले हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली है स्पाइसी बनाने के लिए, आप चाहो तो आप डालना, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी बिल्कुल मत भूलना, और गरम मसाला भी मैंने नॉर्मल वाला डाला है, ये भी आप यहाँ पर डालना। आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैंने जानबूझ के इसको थोड़ी सी मसालेदार रखी है। बस अब आप यहाँ पर ढक्कन लगाना और इसको थोड़ी देर रिड्यूस कर लेना अच्छे से, लगभग 5-10 मिनट ढककर चाप को अच्छे से पकने देना। ये थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करेगी, इसके अंदर सारे फ्लेवर जाएंगे, और फिर जब आप ढक्कन खोलोगे आपकी चाप बन के पूरी तैयार होगी दोस्तों। मैंने एंड में यहाँ पर धनिया डाल दिया है, और आप ये देखो कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी चाप, है ना, बढ़िया है ना दोस्तों। और चाप के अंदर आप देखो एक एक परत खुली हुई है, इन परत के अंदर भी दोस्तों फ्लेवर, तभी आपकी चाप बिल्कुल बाजार जैसी सोया चाप मसाला बनेगी, जैसे हम बाजार में खाते हो।